नमस्ते, आज हम बना रहे हैं पानी पूरी। इसको कई नामों से बोला जाता है, गुलगप्पा बोला जाता है, बतासा बोला जाता है, फुल्की बोला जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से वाच करिए, आपकी पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। सबसे पहले हम एक कप मैदा लेते हैं। मैदा और सूजी की मात्रा बराबर ही रहेगा। एक कप मैदा है मेरा, या मैदे की जगह हम आटा भी ले सकते हैं, और एक कप सूजी लेंगे। उसमें हम आधा चम्मच नमक डालेंगे और चुटकी भर, बिल्कुल एक चुटकी, देखिए एक पिंच जिसको बोलते हैं, बस इतना ही। बस हम खाने वाला सोडा डालेंगे जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। अब इनको अच्छी तरह से मिला करके हम पानी डाल करके इसको हम गूंथ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें हम डाल करके अच्छे से गूंथते हैं। शुरू में थोड़ा सा गीला रहेगा क्योंकि सूजी थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद इसको कपड़े से हम ढक करके 20-25 मिनट के लिए रख देंगे। 25 मिनट के बाद देखिए आटा मेरा कितना सख्त हो गया है, एकदम टाइट डो हुआ है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी का छींटा डाल करके 5 मिनट खूब अच्छे से मसल मसल करके इसको हम अच्छे से गूंथ लेते हैं। आटे को खूब अच्छा मसलेंगे तो बहुत अच्छा पूरी फूलता है। खूब अच्छे से टाइट हम देखिए सान अच्छे से हम पूरा गूंथ देंगे। आटा अच्छे से गूंथने के बाद एक छोटी सी लोई लेकर के, चकला पे लेकर के, एक छोटी छोटी बिल्कुल लोई, क्योंकि बहुत छोटी पूड़ी बनाते हैं इसमें, तो छोटी छोटी लोई लेकर के आप इसको छोटी छोटी पूड़ी बना लेंगे। सारी ऐसी लोई तोड़ करके सब हम पूड़ी बना लेंगे। वो तो हम हाथ से बना रहे थे, अब इस तरह की एकदम पतली लोई बना करके, एकदम पतला बेलन के आकार का बना करके एकदम चाकू से पतला पतला काट दीजिए। बिल्कुल जल्दी ये हो जाता है। फिर इसकी भी छोटी छोटी लोई बना करके पूड़ियाँ बना लेंगे। अब इस पतली सी लोई लेकर के इसको बिल्कुल अच्छा गोल सा, बहुत मोटा भी नहीं और एकदम कागज़ की तरह पतला भी नहीं, एक बहुत अच्छा सा बना देना है इसको, खूब सॉफ्ट इसका पूड़ी बने। इसी तरह हम सारी पूड़ियाँ बेल लेते हैं। एक और हम आसान तरीका आपको बता रहे हैं। एक लोई लेकर के बड़ा सा आप बेल लीजिए। अगर आटा अच्छा सना है तब तो बहुत अच्छे से बेला जाएगा, अगर नहीं हो रहा तो ऑयल चाहे मैदे से आप लगा करके बेल लीजिए, और फिर कोई कुकी कटर या कोई चीज़ से, क्लास व्लास से आप इसको कटिंग करके बना लीजिए अच्छे से। इसी तरह देखिए सारी पूड़ियाँ हम काट लिए हैं। अब इसको ऐसे निकाल देंगे, ये जो फालतू का आटा है इसको फिर हम बेल देंगे। इसको गीले कपड़े में, इसको खूब अच्छे से गीला कपड़ा, एक कॉटन कपड़ा लेके इसको निचोड़ देंगे और उसी में रखेंगे, क्योंकि इसको सूखना नहीं चाहिए, फिर गट्ठा बनेगा तब छानेंगे इसको हम। सारी पूड़ियाँ देखिए मैं बनके तैयार हो गई है। अब हम गैस पे कढ़ाई रखते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं और इसको मीडियम फ्लेम पे ही करते हैं, ना बहुत हाई ना बहुत लो पे। इसी तरह एक एक करके डाल करके इसको दबा दबा करके, ऐसे पौने से ऐसे दबा दबा करके इस तरह सारे फूल जाते हैं। जो नहीं फूलते हैं उसको पापड़ी चाट या कोई चाट बनाई तो उसमें तोड़ के डाल दीजिए, वो बहुत अच्छा लगता है। देखिए मेरा तल करके कितना अच्छा तैयार हो गया है, एकदम गोल्डन कलर हो, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए, जिससे मतलब खूब क्रिस्पी रहता है। इसको एक छन्नी में डाल करके और किसी बड़े से बाउल में रख दीजिए जिससे इसका पूरा तेल निकल जाए। इसी तरफ सारी पूड़ियाँ छान लेंगे। देखिए कितना अच्छा मैं बना हुआ, एकदम देखिए क्रिस्पी, एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल मेरी पूड़ियाँ देखिए सब बन के कितनी अच्छी तैयार हो गई हैं। कलर भी इसका कितना सुंदर लग रहा है। आप भी बना करके बताइए कैसा लगा।